So let's now start with question number 34. Here it says we have a pen stand made up of wood is in the shape of cuboid with four conical depression to hold pen. चार conical depression की है इसमें क्यों? क्योंकि उसमें pen हमें stand करवाने हैं. Next आपको दिया हुआ dimensions cuboid की. Cuboid की dimension क्या दी हुई है? 15. Length is 15. Breadth is 10 centimeter. Height is 3.5 सेंटीमीटर. देन दे आर सेइंग रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर. तो ये तो हमारा क्यूबॉइड का हो जाएगा फाइंडिंग्स, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज द मेन पार्ट ऑफ इट. तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और उसमें से चार कोण हमने क्या करें? माइनस करें. तो लेंथ है हमारा 15, ब्रेथ है हमारा 10, हाइट है मेरा 3.5. तो पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, 10 जीरो से जीरो कैंसिल. 15 और 35 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट वुड बी 525 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट आपने क्या करना है? माइनस क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ वन कोन माइनस करोगे. वन कोन तो नहीं करने, चार कोन करने हैं, लेकिन वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ वन कोन फर्स्ट ऑफ ऑल. दैट इज 1/3 πr² h. 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7. आर आर कितना है हमारा? 0.5 स्क्वायर, एंड वी हैव 1.4 एज द डेप्थ. डेप्थ का मतलब होता है कि कितनी इसकी गहराई है. हाइट पता चल गई ना उसकी हमें. तो अब आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करोगे? 1/3 एज इट इज, 22/7. 7 और 1.4 को कैंसिल करवा सकते हो और क्या आ जाएगा? 0.2. अब 22 और 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 है आपके पास, एंड डिवाइडिंग इट विथ 3. तो व्हेन यू सॉल्व दिस ना, यू विल गेट 0.366 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये तो आ गया किसका? वन कोन का. वन कोन का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. हमें कितने कोन दिख रहे हैं इस डायग्राम में? देयर आर इन टोटल 4. तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन वुड बी 4 इंटू 0.366, विच विल गिव यू 1.464 सेंटीमीटर क्यूब. अब आपने क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालनी है. वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर कोन. तो आपके पास क्यूबॉइडल बॉक्स कितना है? इट इज 525 माइनस 1.464. सो यस, यू विल गेट द आंसर एज 523.5, अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर क्यूब. सो यस, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल सा था कि आपने पहले तो बड़े वाले का वॉल्यूम निकाला. जो भी बड़ी चीज़ दिखती है उसका वॉल्यूम निकालोगे. देन आपका काम क्या है? जो चीज़ आप हटा रहे हो, जैसे डिप्रेशंस का मतलब होता है कि उसको स्कूप आउट करना बाहर, तो माइनस कर देंगे बस उसको हम. और वही किया हमने. सो यस, दिस इज द आंसर टू इट. नाउ विल बी मूविंग टू अनदर वन.